नमस्कार साथियों, आप लोगों को दो दिन से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा। थोड़ा सा एक तो काम की व्यस्तता और दूसरी बात लेट पहुंचना इधर उधर, तो उस वजह से आप सभी लोगों ने जो हमारा लेटर आया सात वाला, जो 7 तारीख को हमारा लेटर आया उसके बाद में आप लोगों ने सभी ने अपने अपने जोन में जाके विजिट किया। बहुत सारे लड़के जो बेचारे कुछ दिन पहले ही आउटरीच कैंप में जाके आए वो जोन गए, चाहे कोई भी हो। और मैं ही दिल्ली में काम नहीं कर रहा हूँ अकेला, मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं, ये चंडीगढ़ बोर्ड से है कृष्ण अवतार जी, ये NR से हैं, इलाहाबाद बोर्ड से रणबीर भाई, और अभी हमारे साथ में शुभम भी था जो CMA का है चंडीगढ़ बोर्ड का, वो बेचारा अभी गया है, थोड़ा उसको दूर जाना होता है उस हिसाब से। तो साथियों, मैं आज सुबह से आपको बताता हूँ कि पुराना अपडेट देने से तो कोई मतलब नहीं है एक दिन पहले का, और उन सब चीज़ का देखो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं परसों पहले दिन 3-4 दिन से मैं यहीं हूँ दिल्ली में, तो मैं लड़कों के बहुत सारे कंक्लूजन थे और बहुत सारे रूल्स को लेके मैं भी परेशान था। तो सबसे पहले तो सभी रूल को जानना बहुत ज़रूरी था, तो मैं BK त्रिपाठी जी जो सेंट्रल RRB के चेयरमैन हैं, जिनके कोऑर्डिनेट में सारी RRB काम करती हैं, मैं हमारे लोकल MP सांसद माननीय मनोज राजौरिया जी के जरिए मैं उनसे मिला, उनसे मैंने करीब 15 से 20 मिनट बात की। सांसद साहब ने की पहले तो उनसे 10-1 मिनट बात, फिर वो चले गए, फिर को छोड़ के गए, तो मैंने सारी बात की, उनको ED की बात भी बताई। देखो उनका जवाब ये था, ना हम डाइवर्जन करेंगे, ना हम मल्टी स्किल रूल का उपयोग करेंगे, ना ही हम आपको पोस्ट कंसीडर वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जो डिमांड चाहे कितनी भी आ तुम्हारी 6 महीना में, 30/6/2023, इससे 1 तारीख का भी वो डिमांड एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसमें कई तरीके का डिमांड आता है इनके पास में, फ्रेश डेटा अलग आता है, ओल्ड रिक्रूटमेंट का अलग आता है, रिप्लेसमेंट का अलग आता है। तो साथियों, इसमें रेलवे की गलती से हमारे कई सारे बोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं हमें, चाहे उस चीज़ को आप कहीं भी देख लो। जैसे कि इन्होंने चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग नहीं दिया, इलाहाबाद में ज्वाइनिंग नहीं दिया, जम्मू में ज्वाइनिंग नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं। अब ये मत बोलना कि मैं पर्टिकुलर NWR NR इनकी क्यों बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अगर सोचोगे तो पूरा वीडियो देखोगे और सोचोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा। तो साथियों, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा देखो ज्वाइनिंग नहीं दी तो रिप्लेस कहाँ से मांगेंगे, समझ रहे हो ना। 19 तारीख तक ये लोग डिमांड भेजनी है इनको, अभी तक कहीं भी किसी भी बोर्ड ने डिमांड नहीं भेजा है सेंट्रल RRB को। जैसे आएगी हमारी डिमांड, जैसे कि आज मैं सुबह उस दिन हम मिल लिए, उसके बाद मैं NR गया, NR में मैं किसी से नहीं मिला, हमारे और साथी थे NR पे, बहुत सारी भीड़ थी, वो किससे मिले किससे नहीं, उनको क्या जानकारी है या कहाँ तक उनके इंटरनली सोर्स हैं मुझे पता नहीं, और वो किस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं उनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं उनका खंडन करना चाहता। पर मैं साथियों बताऊँ, आज जैसे हम सुबह उठे उसके बाद में वही काम स्टार्ट 10 बजे से, पहले हम कहीं एक दो जगह गए, एक दो जो MPs हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उनसे मिलना नहीं हुआ, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। दूसरी बात, आगे इसी सप्ताह में एक बड़े लीडर से हमारा अपॉइंटमेंट होने का पूरा चांसेज है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, उसके बाद में जब फ्री होके मैं और रणवीर NR गए, तो मुझे वहाँ पे कृष्ण अवतार मिला था, शुभम मिला था CMA के, और ये चंडीगढ़ बोर्ड के दो लड़के मिले, इन्होंने बताया और भी हमारे साथी बैठे हुए। मैंने साथियों उनको, मैं तो देखो उनके पास नहीं गया, क्योंकि किसी को किसी से एलर्जी हो, और ख़ास करके इतनी एलर्जी कि एक दूसरे की कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करे तो जाना भी नहीं चाहिए, शक्ल दिखानी भी नहीं चाहिए। तो साथियों, उसके बाद में फिर मैं CPO के रूम में गया, तो मुझे उनके CPO के PA माननीय विनय कुमार जी के PA हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मीटिंग में गए हैं और लगभग 2 बजे तक मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा रणवीर भाई, जब 2 बजे तक मीटिंग चल रहा है तो जनरल सी बात है GM साहब भी मीटिंग में होंगे। फिर भी हम डिप्टी GM के पास गए, उन्होंने कहा कि आप 3:30 बजे आइए, मैं आपसे 3 बजे, डिप्टी GM भी मीटिंग में था कि 3:30 बजे साहब मिलेंगे। हम लोग उसके बाद गए, हमने खाना वाना खाया दिन में, और खाना वाना खा कर जब मैं आया तो शायद जो और मेरे साथी थे जो काम कर रहे थे वो यहाँ से चले गए, लेकिन मेरे को दो मेरे साथी जो यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे, कृष्ण अवतार और शुभम CMA का, हम 4 हो गए। इस तरीके से हम मिले, फिर हमने हमारा जो चाय वाय पी के रिफ्रेश करके खुद को, और जब हम डिप्टी GM के पास पहुँचे उनके चैम्बर में, मैंने जाके उनसे बात की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हमारा ये मैटर है और इसमें हमारा डिमांड एक्सटेंड किया गया है 6 मंथ के लिए। तो मेरे को खुद डिप्टी GM साहब ने बोला, देखिए पर्सनल सेल को मैं देखता नहीं हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो हमारा पर्सनल सेल भेज देगा, और एक बार फिर भी आप विनय कुमार जी से मिल लीजिए, आपका जो भी कंक्लूजन है या जो भी है आपका मैटर, तो वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे।
तो हमारा 4 बजे मैं हम विनय के पास बाहर बैठे सर के पास में, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ और उनके पास में कोई फाइल लेके आ रहा है कोई जा रहा है, बहुत वर्किंग बिजी शेड्यूल था। तो उसके बाद में जैसे ही सर के पास टाइम मिला हम सर के पास गए। उससे पहले हम जो हमारे GM हैं एन आर के GM गंगल जी के जो उप सचिव हैं उनसे हम मिले, कुछ गंगाधर क्या नाम था उनका, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, हम उनसे मिले। उन्होंने हमें बहुत बड़ी बात बोली कि देखिए बेटा हो सकता है 6 महीने की डिमांड में आपका सिलेक्शन हो जाए, इसका हो जाए इसका हो जाए, लेकिन आपके बहुत सारे साथी फिर भी बच जाएंगे, समझ रहे हो ना, चाहे वो JEE हो, टेक्नीशियन हो, CMA हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी हो। देखो साथियों किसी को गुमराह मत करो। आज मुझे शुभम ने एक चीज़ बताई कि उसको कहीं बोलने का मौका नहीं दिया जाता है बेचारे को, उसके लिए बोल दिया जाता है कि तेरी डिमांड तो हो गई क्लियर, तेरी तो आ रही है यार, उसका भी राइट है CMA में, बेचारे का उसका भी हक है और वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो प्लीज़ एक दूसरे को किसी को गुमराह मत करो। अभी तक कोई डिमांड किसी भी जोन से या बोर्ड से कहीं सेंट्रल RRB को भेजी नहीं गई है। हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें बहुत बड़ी बात बोली कि देखो अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इस सेशन में आप बड़े पॉलिटिशियन से आपके हायर अप्रोच हैं, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने उनको जब 2 साल की स्टोरी बताई, हमारा संघर्ष बताया, सारे फ़ोटोज़ दिखाए, सारी लेटर्स दिखाए, तो उन्होंने कहा आपका संघर्ष वाकई में काबिल तारीफ़ है, मैं आपकी अपनी खुद की तारीफ़ खुद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ मेरे को बोली। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली मेरे को कि आप इसी प्रेशर से 100% का नोटिस निकालवा लीजिए और कहाँ किसको कैसे ऑब्जर्व करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, यही बात मुझे EDRRB ने बोली, EDRRB राजीव गांधी जी ने, यही मुझे सेंट्रल बोर्ड के रेलवे के चेयरमैन ने, जब उनसे मैंने आपकी सबकी पीड़ा बताई कि हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सुसाइड की रोज़ बोलते हैं, और मैं उनको भी जानता हूँ जो चोरी छुपे मेरे ही साथियों को मैसेज रात के 1-1.5 बजे मैसेज करके बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं रात को मर जाऊँगी 1:30 बजे। तो साथियों इतना ईगो मत पालो अपने अंदर, लड़कों को गुमराह करो। और मैं किसी के लिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए और आगे की जो रणनीति है वो भी मैं डिस्क्लोज बहुत जल्दी कर दूंगा आप लोगों के लिए कि क्या है क्या नहीं है। और हम सभी एक दिन में सुबह हमें 9 बजे आना है और शाम को 5 बजे तक हम कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। और आपको बता दूँ कितना भी बोर्ड घूम लो, कितना भी जोन घूम लो, वो मैक्सिमम डिमांड ही भेजेंगे। और कोई बोर्ड या जोन कुछ भी कहे कि हम नहीं भेज रहे, ये नहीं कर रहे, देखो बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं है, बोर्ड के हाथ में जोन सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भेजता है कि हमें इस कैटेगरी में इतने लड़के चाहिए, तो बोर्ड का तो ये रोल ख़त्म हो जाता है साथियों। लेकिन जोन का क्या है, जोन में रिक्वेस्ट करने से देखो वाकई में फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हमने जोन जाने का डिसीजन किया था। क्योंकि देखिए जैसे कि अभी हम विनय कुमार जी से मिले, ये दोनों साथी मेरे साथ थे, विनय कुमार जी ने बताया आज स्पेशली मीटिंग आप लोगों के लिए ही रखी गई थी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि सभी जो प्रोडक्शन यूनिट तो इनके अंडर में आता नहीं है, क्लियर बोले सर, जो PSU हैं चाहे कानपुर हो या और कोई हो, सारे PSU डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं अपनी वैकेंसीज का सेंट्रल RRB रेल भवन। लेकिन उन्होंने कहा जितने भी डिवीजन और जो वर्कशॉप हैं या सेड हैं वो हमारे अंडर में आते हैं। पहले यहाँ पे किसकी बता रहा था, सिविल में किसकी सीट नहीं आई, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स की सीटें नहीं आई, तो वो सीटें अब बढ़ के आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैकेनिकल की, उन्होंने बताया स्पेशली डीजल सेड, डीजल में सीटें बढ़ के आएंगी चाहे टेक्नीशियन की हो JEE की हो, क्योंकि डीजल सेड के लिए पहले उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, सर ने बोला कि हमने सभी जगह रिक्वेस्ट लेटर आज ही बनाए और आज ही इमीडिएट फॉरवर्ड किए हैं, और 17 तारीख शाम तक इनके पास में डिमांड उनको भेजना ज़रूरी है, 17 को शाम को या 18 को इनके पास डिमांड आएगी, 19 तारीख को ये रिपोर्टिंग करेंगे उस डिमांड को। इसमें कोई चेंजेज नहीं है, आप किसी की बातों से भ्रमित मत होइए, मैं आपको क्लियर कह देता हूँ, और पूरा काम पारदर्शिता से चल रहा है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा ना मेरे अंदर किसी के लिए कोई, देखो सब अपना अपना काम है अपने तरीके से करो। पर साथियों मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी भी एक हो जाओ, वक्त रहते एक हो जाओ। अगर आप लोगों को 100% नौकरी लगनी है तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन आ जाइए, हम कोशिश कर सकते हैं। मैं 100% ये नहीं कह रहा कि हम सफल होंगे, लेकिन बड़े लोगों ने एक चीज़ कही है और कहावतों में एक चीज़ है साथियों कि प्रयास करने वाले लोगों की या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 में आज पूरा LP क्लियर हो चुका है, 90% आप ये लगा लीजिए जो CMA वो क्लियर हो चुका है, जो हमारा टेक्नीशियन और JEE का जो रेल मंत्री जी अभी बोले अपने अभिभाषण में कि लगभग 70% नहीं तो उसको 60 मान लो, लेकिन हुआ तो है क्लियर। और
ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, मेरी काफ़ी महिला दोस्तों ने, सबने आपने मदद की, तो कहीं ना कहीं उसका ये फल मिला है। और सभी बोर्ड के लड़कों ने बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ काम किया। और मैं देखिए, मैं साथियों सभी बोर्ड के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा किसी बोर्ड से वो नहीं है। आज चंडीगढ़ बोर्ड वाले भी मेरे साथ थे, अगर पूछ लो मैंने चंडीगढ़ की पैरवी खुद ने नहीं की हो तो। ये मेरे पास में खड़े रहे, मैंने सारी एक एक सीट दिखाई सर को, मैंने बात की उनसे, मैंने कैटेगरी वाइज भी सारी प्रॉब्लम बताई, एनआर की जो भी है। देखो जिसकी जहाँ जो समस्या होगी वहीं तो बात करूँगा। और यार समस्याओं पे देखिए, जो कुछ हुआ जो कुछ भी है आगे के लिए सोचो, जो हो गया गुजर गया उन चीज़ों को छोड़ो, एक जगह आओ, बहुत जल्दी आपको प्लान बता दिया जाएगा। एनआर हम लोग दिल्ली में एक ही दिन में कुछ करेंगे, बड़ा मूवमेंट है, और वो हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे, उसका डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा। कोऑर्डिनेटर्स को 5 दिन पहले बता दूंगा। स्पेशली मेरी राजस्थान वाले लड़कों से अपील है, जितने भी राजस्थान के लड़के हैं जेई टेक्नीशियन, मैं तुम लोगों से एक चीज़ स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, आप इस चीज़ को भी मत सोचो कि मेरी डिमांड चली जाएगी, मेरा पैनल में नाम आ जाएगा। पैनल में नाम नहीं, जिस दिन तक आपको नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप कच्चा ही काम समझिए। तो आप लोगों को एश्योर होना है किसी चीज़ के लिए, अगर पक्का किसी चीज़ को समझना है तो आप सभी दिल्ली आइए। दिल्ली आके हम जो काम करते हैं सिर्फ हमें फॉलो कीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती है मेरी, वहाँ पे अपना अपना राग मत अलापने लग जाना कि मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं जेई हूँ, मैं एनआर का हूँ, मैं चंडीगढ़ का हूँ, मैं जम्मू का हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं एक शॉर्ट लेटर बना रहा हूँ और उसमें सीधी भाषा होगी, 100% क्लियर करो, जैसे ALP को किया है, चाहे 2023 एंड तक की इनको डाटा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। उसके साथ में मल्टी स्किल रूल क्या होता है आपको पता है? आज मैंने इनके सामने पूछा, पूछो CPO को यही चीज़, मैंने VK त्रिपाठी जी चेयरमैन है उनको पूछा क्या होता है मल्टी स्किल रूल, इसको पूछो। आप लोग बोल देते हो आपको पता ही नहीं है मल्टी स्किल रूल क्या है। अगर मल्टी स्किल रूल को और डाइवर्जन को लागू किया जाए तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन JEE का 100% इसी में हो जाएगा। क्योंकि जैसा रामेश्वर मेरे साथी ने बताया है, मुंबई बोर्ड में खुद उनकी जो CPO मैडम ने उनको बताया है, 117 तो रिप्लेस है वहाँ पे, और उनके न्यू डिमांड आ रही है वहाँ पे लगभग 297, उसको मिला के कितना हो गया, और वहाँ पे वेटिंग में लड़के हैं 113। आप सोचिए अगर डाइवर्जन होगा तो कितने लड़कों को, चाहे वो चंडीगढ़ के हो, चाहे इलाहाबाद के हो या कोलकाता के हो, उनको मुंबई में तो नौकरी मिलेगी ना। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, किसी अधिकारी को बदनाम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के पीछे पड़ना चाहिए। NR हब है पूरे ऑल इंडिया का, और यहाँ पर सभी बड़े अधिकारी, बड़े अप्रोच वाले, चाहे पढ़ाई की संबंधित समझ लो या किसी चीज़ से, सब यहीं पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं, और उसका स्पेशली लॉस हो रहा है NR वालों को। लेकिन इसका परमानेंट किसी चीज़ का, आप बताइए, पेट में दर्द है तो पेट का दर्द, पेट के दर्द की गोली दवाई लेने से ही मिटेगा? आप अगर सर दर्द की खाओगे तो आपका दर्द कम थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, लेकिन आप सही नहीं होगे। इसलिए प्रॉपर इलाज करना हमको हमारा बहुत ज़रूरी है साथियों, और यही मेरे पास अपडेट थी 2 दिन की। इतना ज़रूर है, मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए, मैं 100% के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और जो मेरी अंतिम कोशिश है ये 100% सक्सेस होगी, क्योंकि मैं कभी मेरी प्लानिंग कभी गलत नहीं होती। और आप लोग इनको पूछ सकते हो, मेरी प्लानिंग के लिए अगर वाकई में सर ने ये बोला कि यार रियली में तेरी प्लानिंग अच्छी है और जो काम तूने किया है वो बहुत अच्छा है, तो साथियों हमें क्या करना है, जल्द मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आपको आज का कृष्ण अवतार जी बता देंगे कि वाकई में मेरी बातों में कितना दम है, मैं किस तरीके से, मैंने विनय कुमार जी से बात की, कैसे बात की, रियली में नॉट एक अधिकारी, मैंने अधिकारी की तरह बात नहीं की, इसको पूछो कैसे बात की हमने, बताइए भाई। बिल्कुल भाई, ये सच्चाई है, रिंकू भाई ने 100% की सभी के लिए बात की है, कोई मन में मतलब शंका नहीं रखी कि मेरे जोन की बात नहीं कर रहा है या खुद की जोन की कर रहा है, मतलब इसने भाई ने सभी 100% के लिए बात की है। और जिनसे भी हमने मिले हैं तो उन्होंने भी इनको रास्ता बताया है कि इस रास्ते से तुम्हारी 100% क्लियर हो सकती है, तो रिंकू भाई वही प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी सूचना आपको जल्दी दे दी जाएगी। और रियली बता रहा हूँ, इनको पूछिए आप कि विनय कुमार जी से हम किस तरीके से बात करके आए, कितनी सच्चाई है, बताइए भाई। विनय कुमार जी सर जी से रिंकू भाई ने एज ए फ्रेंड बात की, और जो रिंकू भाई कह रहे हैं, अब अगर आपने रिंकू भाई को फॉलो कराओ या ना कराओ, लास्ट टाइम पे दिसंबर फॉलो कर लो, आपको सभी को जॉब दिलवा। साथियों किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी जॉब लग जाओगी, आप कहीं जॉब करोगे, मेरे बाप की सैलरी में से आपको सैलरी नहीं मिल रही, इंडियन गवर्नमेंट के पैसे से आपको सैलरी मिलेगी। पर साथियों मैं एक चीज़ कहता हूँ, अभी भी सुधर जाओ, वक्त है,
और सभी की नौकरी हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, एक होना पड़ेगा सभी, बिल्कुल सभी को एक होना पड़ेगा और एक तारीख को आके, और हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण हम मिनिस्टर के घर चलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट, और उसमें एक ही चीज बताएंगे मिनिस्टर साहब को, सर जो इन्होंने 6 महीने का हमारा जो बढ़ाया है उसमें हमारा सबका नंबर नहीं आ रहा, और हम बार बार आपको भी परेशान नहीं करना चाहते, ना मिनिस्ट्री को परेशान करना चाहते, पिछले 3.5 साल से खुद विनय कुमार जी ने एक चीज बोली है कि हम भी परेशान है, आप लोग आते हो तो आप कहीं ना कहीं, मैंने एक चीज बोली इनको, पूछ लो सीधा, मैंने कहा सर आप चाहे बड़ी लेवल की आपने तैयारी की IAS की और परेशानी तो रिक्रूटमेंट की आपने भी देखी होंगी, तो वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि यार रिंकू क्या बात कर रहा है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, और अगर दर्द नहीं समझता तो एक बात बताइए, मेरे को उन्होंने बहुत पहले नंबर दिए थे, रियली बता रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे थे, हमारे कुछ साथियों ने गांधी TV वाले के साथ मिलकर उनके लिए वीडियो बनवा दिया कि हमारी डीजल की सीट नहीं आई, जबकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी अधिकारी को बदनाम मत करो, कुछ भी है, विनय कुमार जी हमारे दोस्त जैसे हैं, भाई हैं वो बड़े, मैं तो ये मानता हूँ, और उन्होंने मैक्सिमम डिमांड NR से भेजने का वो किया है, स्पेशली रिक्वेस्ट किया है उन्होंने हर जगह को, आज मीटिंग बुलाई है इसी चीज़ के लिए, और आप लोगों को बेहतर परिणाम मिलेंगे पहले से, तो साथियों आप सभी को मैं तो यही कहूँगा, चलो NR का तो आज सोल्यूशन हो गया, NWR का उधर शंकर को मैंने पूरा प्लान बता दिया तो शंकर ने उधर का हैंडल कर लिया, लेकिन क्या NWR और NR के लड़कों को जॉब चाहिए? दोस्तों जॉब सभी को चाहिए, सभी गरीब फैमिली से आते हैं, सभी की समस्या है, तो मैं चाहता हूँ उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सभी साथियों को, पूरे देश के सभी मेरे भाइयों को, सभी को नौकरी मिले, और सभी के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो 100% स्टैंड बाई क्लियर होना चाहिए, उसके लिए सभी एक जगह आ जाओ, और बहुत जल्दी हम उस प्लान को आपको एग्जिट कर देंगे, बता दिया जाएगा, और आप लोगों को कुछ नहीं करना, सुबह से शाम तक रुकना है, आके बैठना है, और राजस्थान वाले भाइयों से जरूर मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि राजस्थान से एक भी लड़का, चाहे JEE टेक्नीशियन पैरामेडिकल CMA किसी भी कैटेगरी में, एक भी लड़का नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी ऑल ओवर इंडिया का क्लियर कराने की ताकत राजस्थान के लड़के ही रखते हैं। मैं एक चीज बता दूं, मैं उनको आगे रखूंगा, और मैं जो अब की बार जो प्लान है मेरे पास में वो बहुत सॉलिड प्लान है, उस दिन हम ऐसा पॉजिटिव चीज लेके उठेंगे, 100% का ही लेके उठेंगे, मुझे विश्वास है। तो साथियों आप सभी को साथ देना है एक लास्ट कोशिश में, धन्यवाद मेरे साथियों, राम राम, जय हिंद जय भारत।